मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा, मुरली वाले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 19 जून 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज मीठे मीठे बापा दादा बोले, मीठे बच्चे मुख में मुहलरा डालो, अर्थात अपने शांति स्वधर्म में स्थित हो जाओ तो माया कुछ भी नहीं कर सकती। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे मुख में मुहलरा डालो, अर्थात अपने शांति स्वधर्म में स्थित हो जाओ तो माया कुछ भी नहीं कर सकती। बाबा ने प्रश्न पूछा, एक शिव बाबा ही भोलानाथ है, दूसरा कोई भी भोलानाथ नहीं हो सकता, क्यों? उत्तर में बाबा कहते, क्योंकि एक शिव बाबा ही है जिसे अपने लिए कोई भी तमन्ना नहीं, वह आकर बच्चों का सेवाधारी बनते हैं, बच्चों को माया की गुलामी से छुड़ाते हैं, हर बच्चे को आप समान मास्टर ज्ञान सागर बनाते हैं, ज्ञान रत्नों से झोली भरते हैं। ऐसा निष्काम सेवाधारी दूसरा कोई भी हो नहीं सकता, इसलिए भोलानाथ एक शिव बाबा को ही कहेंगे। मुरली का गीत है, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं, मेरी बिगड़ी बनाने वाला और कोई नहीं। ओम शांति। भक्ति मार्ग में जो होकर गए हैं उनकी महिमा गाते हैं कि ऐसा था, जो यहाँ हैं उनको कहेंगे कि ऐसे हैं, शरीर छोड़ गए तो कहेंगे ऐसा था। जरूर परमात्मा की भी महिमा करते हैं, नहीं तो महिमा क्यों होती। अभी प्रैक्टिकल में है, सब भक्तों का भगवान एक है, भक्तों का रक्षक व भक्तों को सदगति देने वाला उसको ही जादूगर कहेंगे। गाया भी जाता है, सर्व का सदगति दाता, सर्व को सदगति अभी मिलती है। नंबरवार जो वैरायटी धर्म वाले मनुष्य हैं, सबको गति सदगति देते हैं जरूर, सब मनुष्य मात्र मुक्ति धाम में जाते हैं जरूर। फिर आते हैं सतो प्रधान में, नंबरवार ही आएंगे ना, पहले देवताएं, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य आएंगे, वर्ण बदलेंगे जरूर। कोई अच्छा काम करके जाते हैं तो उनकी महिमा करेंगे, वह तो अल्पकाल के लिए महिमा चलती है, क्योंकि बच्चे जानते हैं कि विनाश सामने खड़ा है। सबसे जास्ती महिमा उनकी होती है जो पहले पहले आते हैं। भक्ति मार्ग में पहले पहले शिव बाबा की ही पूजा शुरू होती है, अभी होकर जाते हैं, इनका गायन पूजन फिर भक्ति मार्ग में होता है। सत्य में तो भक्ति होती नहीं, उनको यह भी पता ही नहीं होता कि पहले क्या था अथवा सत्य के बाद त्रेता होगा, इसमें बुद्धि से काम लेना होता है। भक्ति मार्ग शुरू होता है द्वापर से। जो बुद्धिमान बच्चे हैं वह अच्छी रीति समझ सकते हैं, जिनको ज्ञान की कंठी पड़ी हुई है, हैं सब पैरेट्स। कोई को अच्छी कंठी रहती है, कोई को तो कुछ भी समझते नहीं, कबूतर हैं। तोते को सिखलाया जाता है, वह रिपीट करते हैं, कबूतर सीख नहीं सकते हैं। अमरनाथ में कबूतर दिखाते हैं, कबूतर सिर्फ पैगाम पहुंचाते हैं, तोते जो सुना वह रिपीट करते हैं, कबूतर रिपीट नहीं कर सकते। यहाँ भी ऐसे हैं जो सुनकर रिपीट नहीं कर सकते, उनको कबूतर कहेंगे। इस समय अनुसार ह्यूमन तोते भी हैं और ह्यूमन कबूतर भी हैं। इस समय के जो भी मनुष्य हैं, जो कुछ बोलते हैं वे कोई काम का ही नहीं। बाप है रूप बसंत, बाबा ने समझाया है कि इनका कोई बड़ा रूप नहीं है। कोई पूछे कि शिव बाबा का रूप क्या है तो समझाना चाहिए, शिव बाबा का रूप ऐसे है जैसे आत्मा का है, जैसा बाप वैसे बच्चे। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है, ना बाप कोई बड़ा है, वह है परमपिता परम आत्मा, वही हमको समझाते हैं। उनका नाम ही है भोलानाथ, वह बहुत भोलानाथ है, अपने लिए एक कौड़ी की भी तमन्ना नहीं रखते हैं। बच्चे निश्चय करते हैं परमपिता परमात्मा ने इन शरीर द्वारा समझाया है, ऑर्गन्स बिगर तो आत्मा बोल ना सके। बाप खुद बैठ समझाते हैं, कहते भी हैं कि परमात्मा आते हैं, उनका नंदीगण भी है, उन्होंने बैल रख दिया है, जानवर तो नहीं हो सकता। ऐसे थोड़े ही है कि छलांग लगाकर बैल पर चढ़ते हैं, कहते भी हैं भागीरथ, भाग्यशाली रथ, परंतु कोई को भी पता नहीं है
कि वे पतित पावन कैसे आते हैं। नरक को स्वर्ग बनाने जरूर आया होगा, तब गाते हैं। भक्ति भी पहले पहले शिव बाबा की करेंगे। नंबर वन, वास्तव में सच्ची महिमा उनकी ही है। अब तो कुत्ते बिल्ली आदि सबकी महिमा करते रहते हैं, नंदीगण बनाते हैं, बैल को लेकर घूमते हैं। अब ये शिव बाबा इस नंदीगण में आकर तुमको ज्ञान सुना रहे हैं, ज्ञान दूध दे रहे हैं। उनकी महिमा कितनी है। भोलानाथ भगवान है सबकी झोली भरने वाला। शिव के आगे नहीं कहेंगे कि झोली भर दो, क्योंकि समझते हैं कि वह निराकार है। शंकर के आगे झोली ले जाते हैं भरने के लिए। विष्णु और ब्रह्मा के पास नहीं जाते, शंकर के पास जाते हैं, क्योंकि शिव और शंकर को मिला दिया है। समझते हैं कि शिव शंकर का रूप है। पूजा करने वाले कुछ भी ऑक्यूपेशन को नहीं जानते हैं, क्योंकि पहले पहले जो पुजारी बना है उनको ही कुछ पता नहीं था। इनको कहेंगे आप ही पूज्य देवी देवता, आप ही पुजारी। अभी तुम समझते हो कि हम ही पूज्य देवी देवता थे, हम ही पुजारी बनते हैं। शिव तो है मूल वतनवासी, परंतु मंदिर तो है ना। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी पार्ट है, क्योंकि आते तो है ना, शिव को भी आना तो पड़ता है। शंकर का यहाँ काम नहीं। त्रिमूर्ति मार्ग भी नाम रखते हैं, त्रिमूर्ति का स्टैंप भी बनाते हैं, उसमें फिर शेर दिखाते हैं, नीचे लिखा है सत्यमेव जयते। ऐसे ठीक है, सिर्फ शिव का नाम निशान नहीं रखा है, सत्यमेव जयते जानवर के नीचे नहीं लिखा जाता है। सत्य तो एक बाप ही है, जो सच्ची कथा सुनाकर हमको विजयी बनाते हैं। सब बातें हम अच्छी रीति समझते हैं, समझाते हैं। तुम मास्टर नॉलेजफुल बनते जाते हो। जब से नॉलेज सुनना शुरू किया है, इनकी सब मुरलियां रखें तो सारा मकान ही भर जाए। कितने कागज खलास करते होंगे और फिर खलास करते रहेंगे। मुरली बच्चों के पास जरूर जाएगी, बहुत कापियां निकलेंगी। झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। बच्चे जानते हैं कि माया के तूफान तो बहुत आते हैं। मुहलरा मुख में पड़ा हुआ हो तो माया कुछ नहीं कर सकती। बाबा को याद करना बहुत सहज है। हम आत्मा हैं। आत्मा कहती है मेरा स्वधर्म है शांत। हम सब परदेशी हैं, इस माया के देश में आते हैं। एक गीत है ना, ओ दूर देश के रहने वाले। सब आत्माएं दूर देश की रहने वाली हैं। तुम अब जान गए हो कि बरोबर हम परदेश में हैं। बहुत दूर देश से आते हैं, जिसको निराकारी दुनिया कहा जाता है। दुनिया में तो बहुत होंगे ना, तुम जानते हो हम सब परदेशी हैं। भक्ति मार्ग में भक्त भगवान को याद करते हैं। भक्त चाहते हैं कि भगवान आए, तो आकर क्या करे। तुम बच्चों को पता है कि बाबा परम धाम से आते हैं। कहते हैं मुझे कलयुगी पतित दुनिया से स्वर्ग पावन दुनिया बनाना है। तुमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं। मनुष्य न अपनी सदगति कर सकते हैं, न औरों को दे सकते हैं। अब नाटक पूरा होता है, अंत में सब एक्ट्रेस को हाजिर होना है। गीता में भी है कि सिर्फ श्री बाबा के बदले श्री कृष्ण भगवान उवाच कह दिया है। श्री कृष्ण तो है फर्स्ट प्रिंस, उनके लिए समझते हैं कि हमको राजयोग सिखाया था। परंतु अभी तुम जानते हो राजयोग सिखाने वाला भोलानाथ आया है। भोलानाथ नॉलेजफुल बाप को कहा जाता है। फिर श्री कृष्ण के ऊपर कलंक लगा देते हैं। वास्तव में वह श्री कृष्ण के ऊपर नहीं लगाते, बाप के ऊपर लगाते हैं। पहले दादा के ऊपर कलंक नहीं लगता था, बाप के आने पर कलंक लगाए हैं। चलते चलते राही ने आकर प्रवेश किया, तब से देखो कितने कलंक लगाते आए हैं। यह रासलीला आदि सब खेल उनके हैं, वही बच्चों को बहलाते हैं। बच्चे जानते हैं कि हमको बाबा मिला है, बाबा से हम रत्नों की झोली भर रहे हैं। शास्त्रों के ज्ञान को रत्न नहीं कहा जाता, यह है ज्ञान रत्न। एक एक रत्न लाखों रुपए का है। इस समय सभी मनुष्य एक दो को पत्थर मारते मारते पत्थर बुद्धि बन गए हैं। बाप आकर पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बना देते हैं, कब्रिस्तान से परिस्तान बन रहा है। यहाँ तो घड़ी घड़ी काल खाकर कब्र दाखिल कर देता है, वहां तो ऐसा होता ही नहीं। जैसे सर्प पुरानी खाल उतार नहीं ले लेते हैं, वैसे पुराना शरीर छोड़
नया ले लेते हैं। यह दृष्टांत बाबा अभी देते हैं। इनको फिर सन्यासी लोग अपने काम में लगा देते हैं। ऐसे समझते हैं कि कोई बुदबुदा सागर में समा जाते हैं, कोई कहते ज्योति ज्योत में लीन हो जाती है। अनेक मत हैं, अब तुमको मिलती है एक मत, उस पर चलना पड़े। बाबा कहते हैं, तुम जन्म जन्मांतर मुझे पुकारते हो, मैं एक ही बार आता हूँ। तुमने मुझे बहुत पुकारा, मैं गुलाम तेरा। बापा कर गुलाम पने से छुड़ाते हैं। तुम माया के गुलाम बन पड़े हो, बाप आकर उनसे लिबरेट करते हैं। तुम जानते हो हमने बहुत भक्ति की है, अब भक्ति का फल देने बाप आए हैं। अब भक्ति का पाठ पूरा हुआ, ज्ञान भक्ति, फिर है वैराग्य। वैराग्य भी दो प्रकार का है, वह सन्यासियों का वैराग्य है घर बार छोड़ने का, और यह तुम्हारा है सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य। यह तो तुम बच्चे जानते हो, यह सब भस्म हो जाने हैं, कुछ भी नहीं रहेगा, किनकी दबी रहेगी धूल में। फिर ऐसे समय चोर आदि भी आकर लूटते हैं, जैसे एरोप्लेन गिरते हैं आग लगती है तो चोर अंदर घुस जाते हैं, आसपास वाले भी लूट लेते हैं। टाइम तो मिलता है जब तक पुलिस आए, यह तो विनाश होना ही है। कितनी बड़ी सृष्टि है, तुम जानते हो अमेरिका आदि तरफ तो सुख का पंप है, क्रिश्चियन पे है ना, उनके सुख का पार्ट अभी है। कितनी हिम्मत रखते हैं, स्टार्स पर चंद्रमा पर जाएंगे, सूर्य तरफ नहीं जाते हैं, समझते हैं वह जला देगा। कोशिश करते हैं चंद्रमा में, स्टार्स में, जमीन ले ले में। सूर्यवंशी चंद्रवंशी नाम सुना है तो समझते हैं कि शायद वहां कोई दुनिया है। जापानी लोग अपने को सूर्यवंशी कहलाते हैं, कोई क्या कोई क्या कहलाते हैं। अब तुम जानते हो कि भारत बरोबर सूर्यवंशी चंद्रवंशी था, इन जैसा ऊंच खंड कोई हो नहीं सकता। यह ड्रामा बना बनाया है, इसमें बदली सदली होने की बात ही नहीं, यह तो समझने की बात होती है। बस में बैठते हैं तो हमेशा स्वधर्म में बैठना है, बाप को याद करना है। शांति के लिए कोई जंगल में नहीं जाना पड़ता, कोई भी आए तुम समझा सकते हो कि शांति तो गले का हार है, तुम ढूंढते कहाँ हो। आत्मा कहती है मेरा स्वधर्म शांत है, फिर यहाँ शरीर में आने से टॉकी बनता हूँ। साइलेंस में तो नाटक होता नहीं, पहले मूवी बाइस्कोप चलता था, सूक्ष्म बतन में भी मूवी होती है, आवाज नहीं निकलता। उसी समय जो कल्प पहले समझा था वही समझकर आकर सुनाते हैं, कोई नई बात नहीं, सारा ड्रामा हमको 84 जन्म नाच नचाता है। यह अनादि ड्रामा है, सब शरीर लेकर अपना अपना पार्ट बजाते हैं। मीठे मीठे बच्चों, यह शिव बाबा कह रहे हैं, आत्माओं से बात करते हैं, मामेकम याद करो। यह नहीं कहेंगे कि मामेकम याद करो, यानी कि ब्रह्मा नहीं कहेंगे कि मुझे याद करो। कितनी गुह्य बातें हैं। ये कहता है मुझे भी उनको याद करना पड़ता है, मैं भी ब्रह्मपुत्रा नदी हूँ। ब्रह्मपुत्रा नदी और सागर का मेला लगता है, सरस्वती और सागर का मेला नहीं लगता है, मेला एक ही लगता है। कलकत्ते में ब्रह्मपुत्रा नदी और सागर के संगम पर बहुत भारी मेला लगता है। ब्रह्मपुत्रा एक है और मेला भी एक बार लगता है, तो यह भी मेला यहाँ लगता है। सागर ना हो तो मेला थोड़ी कहेंगे। मम्मा जाती है तो नदियों का मेला लगता है, यह मेला लगा है सागर और ब्रह्मपुत्रा नदी के साथ। यह तो तुम आप ही समझ सकते हो, अगर विचार सागर मंथन कर सकते हो तो विचार करो। यह सागर चैतन्य है और वह जड़ है, सब नदियां सागर से निकली हुई हैं। यह है मंगल मिलन। बाप घड़ी घड़ी समझाते हैं कि मामेकम याद करो, बच्चे भी कहेंगे बाप को याद करो, मामेकम याद करो बच्चे। यह तुम नहीं कह सकते, बाबा इन द्वारा कह सकते हैं कि बच्चे मामेकम याद करो। तुम सम्मुख बैठे हो ना, तुम कहेंगे शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो। सबको कहना है कि बाप को याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। मौत तो सबका होना ही है, अभी तो क्या लगा पड़ा है, अमेरिका आदि कितना बड़ा है, यह बंबई आदि कुछ भी नहीं रहेगी, बहुत थोड़े होंगे। अभी तो राज्य करने वाले कितने करोड़ों हैं, वहां तो शुरू में बहुत थोड़े होते हैं, पीछे आते जाते हैं। बच्चों को समझाया जाता है माया बड़ी प्रबल है, याद करने नहीं देगी, विघ्न डालती रहेगी।
बाबा से बेमुख करेगी, परंतु पुरुषार्थ पूरा करना है, पक्का महावीर बनना है। योग ऐसा रहना चाहिए जो माया कभी हिला न सके। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा जी को दिलवाजान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार हैं। पहला पॉइंट है, अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है। माया से बचने के लिए मुख में मुहलरा डाल लेना है। और सेकंड पॉइंट है, पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रखना है। विनाश के पहले अपना सब कुछ सफल कर लेना है। बाबा ने वरदान दिया, अपनी हिम्मत के आधार पर उमंग उत्साह के पंखों से उड़ने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। अपनी हिम्मत के आधार पर उमंग उत्साह के पंखों से उड़ने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। कभी कुछ भी हो, लेकिन अपनी हिम्मत नहीं छोड़ना। दूसरों की कमजोरी देखकर स्वयं दिल शिकस्त नहीं होना। पता नहीं हमारा तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा संकल्प कभी नहीं करना। तकदीरवान आत्माएं कभी किसी के प्रभाव व आकर्षण में नीचे नहीं आती। वे सदा उमंग उत्साह से उड़ने के कारण सेफ रहती हैं। जो पीछे की बातें, कमजोरी की बातें सोचते हैं, पीछे देखते हैं, तो पीछे देखना अर्थात रावण का आना। स्लोगन, हरेक की राय को सम्मान देना ही सम्मान लेना है। सम्मान देने वाले अपमान नहीं कर सकते। हरेक की राय को सम्मान देना ही सम्मान लेना है। सम्मान देने वाले अपमान नहीं कर सकते। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।